हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है आजादपुर का फ्लाईओवर, और जैसे ही इस फ्लाईओवर से नीचे आएंगे तो यहीं से ये लाइन स्टार्ट होकर आगे जा रही है जनकपुरी वेस्ट के लिए, और यहीं से हम और आप इसका काम भी आज देखने वाले हैं। इसके दूसरी तरफ यानी कि आजादपुर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे भी पिलर्स बनाए जाने हैं, लेकिन इस साइड जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर इसी जगह पर ठीक आपको पिलर भी देखने को मिल जाएगा, और इस पॉइंट पे पिलर कैप का भी जो काम है वो भी कर लिया जा चुका है। इसी वजह से देखेंगे तो यहाँ पर पिछली बार जो सेफ्टी बोर्ड्स लगाए गए थे जिसमें लिखा गया था दिल्ली मेट्रो, वो हटा लिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इस पे कंप्लीट हो चुका है। अब तो यहाँ पर लॉन्चर की मदद से सिर्फ एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट ही करना है। ये वाले बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इस जगह पर बोर्ड इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि इस पॉइंट पे ना यहाँ पर अभी पिलर बनाए जाने हैं जी। और ये फुटओवर ब्रिज को जैसे आप क्रॉस करेंगे तो फिर देखेंगे कि यहाँ पर भी पिलर बनाने का जो काम है वो किया जा चुका है, और बस कुछ ही दिनों की बात है जब ये जो बोर्ड देख रहे हो आप इसको भी हटा लिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी पिलर बन चुका है, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। इस पॉइंट पे यहाँ से जो मेट्रो की लाइन है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगी इस जगह पर, इसी वजह से पिलर भी आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा जो कि आपको पीछे देखने को मिला था। इस तरीके का पिलर यानी कि यू शेप का पिलर आपको देखने को मिलेगा, और फिर लाइन यहाँ से इस तरफ लेफ्ट को होते हुए आगे की तरफ चली जाएगी। और वैसे भी अगर आप इस रोड पर आएंगे तो पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा काम आपको देखने को मिलता है, और वो काम देखने को मिलता है कि इस जगह पर ना यहाँ पर थोड़ा सा मेकओवर किया गया है इस रोड को पीडब्ल्यूडी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। ये अच्छा लगता है देखने में नो डाउट, लेकिन इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि अब इस पॉइंट पर ना लेन बहुत ही कम हो गए हैं ड्राइव करने के लिए जी। तो गाड़ियों के लिए लेन कम हो गया है, ग्रीन पट्टी बना दी गई है, तो अब इस रोड पे स्लो डाउन आपको देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि जहां यहां पर होते थे 5 लेन अब वो हो गए हैं 3 लेन। तो 5 लेन का ट्रैफिक अगर 3 लेन पे आएगा तो आप समझ सकते हो स्लो डाउन लगेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा ये जो बनाया है एरिया फुटपाथ के लिए, साइकिलिंग के लिए, ये अच्छा लगता है देखने में। अब मैं थोड़ा सा यहां से ना लेफ्ट ले ही लेता हूं। टाइम इंडिया से बना रही है, ये तो एग्जिस्टिंग लाइन है जो कि ऑलरेडी चल रही है यहां पर। दूसरा वाला ये देखोगे ये भी एग्जिस्टिंग लाइन है, तीसरा वाला देखोगे तो ये भी एग्जिस्टिंग लाइन है। जो ये बन रहा है ना ये वाला है जो कि बनाया जा रहा है आर के आश्रम, यानी कि लेफ्ट जाओगे तो आर के आश्रम की तरफ जाएगा ये, राइट ये जाएगा जहांगीरपुरी वेस्ट तक, और हम और आप भी उधर ही जाने वाले। लेकिन इस जगह पर मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपको दिखा सकूं कि वाकई में इस जगह पर काम कितना किया जा रहा है, और यहां से हमें और आपको यू टर्न भी लेना पड़ेगा, तो मैं यू टर्न भी ले ही लेता हूं। तो यहाँ पर ये जो रोड है इसको भी इसे क्रॉस करना है, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े हेवी पिलर्स इस जगह पर बनाए भी जा रहे हैं। इसी जगह पर ठीक एक आपको मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा जो कि है मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन, जो कि पिंक लाइन के अंदर आता है, और इससे आगे की तरफ जाएंगे यानी कि इस तरफ आउटर रिंग रोड यानी कि जनकपुरी वेस्ट तक, तो इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक क्रेन है जिसकी मदद से यहाँ पर जो सेगमेंट है इसका इसको लिफ्ट किया जाता है और व्हीकल के ऊपर डाला जाता है। तो ये वो क्रेन है, और इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से पिलर बनाने का काम भी कंप्लीट हो चुका है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है। यहाँ पर वैसे राइट हैंड साइड में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसे बनाया है L&T ने और बनवाया है दिल्ली की सरकार ने, ताकि जो गंदा पानी है उसको क्लीन करके और फिर यमुना में छोड़ा जा सके, इसके लिए ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है। और इससे जब आप आगे चलेंगे तो फिर आपको दिल्ली मेट्रो का आपको कारनामा दिखेगा, कारनामा मतलब इतनी सारी लाइनें दिखेंगी दिल्ली मेट्रो की, और ये भी आपको दिखेगा कि दिल्ली मेट्रो ने पिछले 20 सालों में कितना कुछ अचीव किया है। 3 ये जो लाइन देख रहे हो ये एक्टिव है, और 2 यहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाला जो है ये मेजेंटा लाइन के लिए बनाया जा रहा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं।
और एक यहाँ पर पिंक लाइन भी बनाया जा रहा है। तो ये वाले जो पिलर्स है ये पिंक लाइन के हैं, और ये जब सब बन जाएंगे तो यहाँ पर टोटल दिल्ली मेट्रो का 5 आपको अलाइनमेंट दिखेगा जो कि इस पॉइंट पे बनाया गया है। क्या अद्भुत नजारा है यहाँ पर, दिल्ली मेट्रो की लाइन साथ में यहाँ पर आउटर रिंग रोड का हिस्सा, ये दृश्य बड़ा ही कमाल का है। यहां से ये लाइन फिर लेफ्ट को हो जाती है और लेफ्ट में होते हुए आगे आउटर रिंग रोड को होते हुए ये जाएगा जनकपुरी वेस्ट तक। और आउटर रिंग रोड पे जैसे ही आप आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि ज्यादातर हिस्सों पे पिलर को कनेक्ट करने का काम कर दिया जा चुका है, और ये जो काम किया गया है पिलर को कनेक्ट करने का ये क्रेन की मदद से किया गया है। इसी वजह से यहां पर स्लोडाउन आपको दिख रहा होगा नीचे रोड के ऊपर, क्योंकि यहां पर क्रेन लगाया गया है जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी किया जा रहा है। ये देखिए, इसी वजह से स्लोडाउन थोड़ा सा यहां पर हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादा हिस्सा है नहीं कनेक्ट करने के लिए इस पॉइंट पर जहां पर क्रेन लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज ही ये काम कर देंगे तो उसके बाद स्लोडाउन कल से तो नहीं लगने वाला है, आगे जाने वाला है। और फिर आएगा मुकबरा चौक, जिसे कि अब शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कहते हैं, उसके बाद ये आगे की तरफ रोहिणी होते हुए फिर जाएगा जनकपुरी वेस्ट तक। तो हमारा भी उधर ही चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको आगे लेकर चलूं, एक और चीज है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पेड़ है जिनको कि हटाया गया था इस लाइन को बनाने के वक्त, उनको यहां पर रीप्लांट किया जा रहा है, ये वाला जो देख रहे हो आप जी, ताकि ये जो पेड़ है ये लग जाए और इनको काटना ना पड़े। तो ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया पे आपको दिखेगा कि ये नए पेड़ नहीं है, ये इन्हीं अलाइनमेंट के बीच में जो पेड़ आ रहे थे उन्हीं को यहां पर लगाए गए। सच बताऊं तो दिल्ली मेट्रो ने ही ये सिखाया है कि किस तरीके से भीड़ भाड़ वाली जगहों में या ट्रैफिक मूवमेंट के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, और वही आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा भी। इतना बिजी रोड है ये, और इसी रोड के ठीक ऊपर यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं जी, और आज से नहीं पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। तभी मैंने आपसे कहा है नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं ये, जो कि है दिल्ली मेट्रो। चलिए, इस जगह पर आपको एक व्हीकल दिखेगा और इस व्हीकल के ऊपर लाया गया है ये पूरा सेगमेंट, जो कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने के लिए डाला जाएगा क्रेन की मदद से, जो क्रेन आपने पीछे देखा है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये जो पार्ट है जहाँ पर ये फुट ओवर ब्रिज को क्रॉस करना है, ये भी यहाँ पर कर लिया जा चुका है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है। और ज़्यादातर काम जो है अब पिलरों को कनेक्ट करने का, वो क्रेन की मदद से ही किया जा रहा है। जो लॉन्चर यहाँ पर लगाया गया था उसको वापस से रीइंस्टॉल तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ, समय को बर्बाद न करते हुए यहाँ पर क्रेन की सहायता ली गई है ताकि काम किया जा सके इस जगह पर जल्दी से जल्द। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये बड़ा ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस जगह पर एक स्टेशन होने वाला है जिल, और स्टेशन के काम की अगर मैं बात करूं तो इस जगह पर स्टेशन के अभी पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और फिर पिलर कैप का भी काम किया जा रहा है,
तो नीचे वाला जो ये हिस्सा देख रहे हो जो टी शेप में, इसके ऊपर स्टेशन का भार होने वाला है, जहाँ पर आपको टिकट मिलेगा, जहाँ पर आप कनेक्ट होकर ऊपर जाओगे, और उसके ऊपर एक और ऐसा ही टी शेप का पार्ट रखा जाएगा जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा जिसपे मेट्रो आएगी जी। और फिर इसके बाद जैसे ही स्टेशन का हिस्सा खत्म होता है फिर पिलर आपको नॉर्मली दिखेगा। और इस स्टेशन का फायदा ना जो लोग बुरारी में रहते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, या फिर जो संत नगर में रहते हैं, क्योंकि ठीक इसी जगह पर स्टेशन बना है तो उनको मदद तो मिलेगी। कंपनी इस वाले हिस्से पे जो काम कर रही है वो है सैम इंडिया, और उन्हीं की टीम द्वारा इस जगह पर दिल्ली मेट्रो फेज 4 के मेजेंटा लाइन का कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और अब हम और आप पहुंचने वाले हैं शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, जिसे कि पहले मुकरबा चौक कहा जाता था, अब नाम बहुत ही अच्छा रख दिया है शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक। और इस कैप्टन विक्रम बत्रा चौक पे जैसे ही आप पहुंचोगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि पिलर का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। और इस वक्त पे यहाँ पर आपको टीम भी दिखेगी जो कि वाटर का छिड़काव कर रही है ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो सके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है ये, तो इस वजह से पानी का छिड़काव ये अनिवार्य है। मैं यहाँ से आपको यू टर्न लेकर दिखाता हूँ कि आगे का, यानी कि हैदरपुर बादली मोड़ जो स्टेशन है उससे आगे का मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ से लेफ्ट लेकर दिखाया बहुत दिन हो गया है कि वाकई में इधर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ से लेफ्ट लोगे तो वैसे कनाल जा सकते हो, इस वाले रिंग रोड को भी ये कर चुका है क्रॉस जी। अब तो यहाँ पर पैराफिट वॉल का काम किया जा रहा है स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से, वही यहाँ पर बनाया भी जा रहा है। और फाइनली हम और आप कनेक्ट होने वाले हैं दिल्ली करनाल रोड पे जी। और ये है जो कि बस कहाँ जा रही है, लुधियाना चंडीगढ़, लुधियाना एंड जलंधर। वाह, ये पंजाब जाने के लिए ना बड़ी अच्छी अच्छी बसें मिल जाती हैं सच में। और ये देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक के ठीक बीचों बीच यहाँ पर जो पिलर बनाने का काम है वो किया जा रहा है। और ये वाला जब पिलर बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है ना वो भी कर दिया जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।